बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को दो आइडेंटिटीज़ इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगी, मैंने वो सब एक्सप्लेन की हैं, तो ये एक्सरसाइज की वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर चेक करें। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहते हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस ये कि जो सवाल के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान जो ऑपरेशन होगा वही आइडेंटिटी यूज करके हमने उसको सॉल्व करना होगा। लाइक फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि 3 and 2 प्लस 9 and 3, तो प्लस का साइन है बीच में, तो हमें यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, विच इज ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। हेयर ए इज 3, B is 2, C is 9 and D is also 3. Therefore, 3, 2 plus 9 and 3 will become A plus C करना है, तो here A is 3 and C is 9. Now comma and then B is 2 and D is 3. 3 plus 9, 12 and 2 plus 3 is 5. Now, 3 plus 2 plus 9 and 3. will become 12 and 5. 12 is the real part and 5 is the imaginary part. Part 2 is 3 upon 2, 2 upon 3 is one number Z1 and Z2 is 2 upon 3 and 3 upon 2. तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो एडिशन का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने किया है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है तो हमारे पास आता है ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। हेयर ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, सी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड डी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. So the number becomes 3 upon 2, 2 upon 3, add 2 upon 3, 3 upon 2, we get. Now A की जगह हम 3 upon 2 put करेंगे, C की जगह 2 upon 3 put करेंगे, comma आ जाएगा, B की जगह पे 2 upon 3 आएगा, plus D की जगह पे 3 upon 2 आएगा. Now इसमें LCM ले लेंगे या जो denominator की term है उसको same कर लेंगे, दो तरीका आपको इजी लगे। मैं एलसीएम ले रही हूँ, 3 2 पे एलसीएम होता है 6, 2 3 जो 3 3 जो 9, 3 2 जो 2 2 जो 4, सेम 6 3 2 जो 2 2 जो 4 प्लस 2 3 जो 3 3 जो 9, 9 प्लस 4 इज 13 अपॉन 6 एंड 13 अपॉन 6, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा न्यू उनको ऐड करने के बाद 13 अपॉन 6, 13 अपॉन 6। हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, एड 2, 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 2, we get 13 upon 6 and 13 upon 6. Here 13 upon 6 is the real part and this is the imaginary part, which is both are equal.